अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिट्सुबिशी पीएलसी के मॉड्यूल FX2 एंड 480 टीसी का टेम्परेचर जो है वो एफ यूनिट में कैसे, फॉन हीट यूनिट में कैसे किया जाता है। वन बिट्स इसकी जो 0.1 यूनिट के, ये देखें चैनल 1 टू चैनल 14 तक जो है एवरेज टेम्परेचर बताएगा, और ये प्रेजेंट टेम्परेचर 17 से 20 तक। तो इसमें आपने सबसे पहले जो राइट करना है ये इसका, इसमें LDM8000 जो है ये इसकी परमानेंट ऑन रिले है, जैसे PLC ऑन होती है रिले ऑन हो जाती है। तो सबसे पहले हमने राइट करना है, टू में आपने जो लिखना है ओ लिखें, जीरो अक्सर लोग लिख देते हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। के जीरो का मतलब फर्स्ट चैनल, के वन का मतलब पहला चैनल, के फोर, टी जीरो का मतलब है टू, के जीरो का मतलब फर्स्ट मॉड्यूल, के वन का मतलब फर्स्ट चैनल, के फोर का मतलब कि चार चैनल्स के जो थर्मोकपल टाइप रखना और चार चैनल रीड करने हैं तो के फोर लिखते हैं। उसके बाद LDM8000 फिर दोबारा लिखें, सॉरी 8000, और अब फ्रॉम रीड करना, फ्रॉम के जीरो का मतलब फर्स्ट चैनल, और फॉन हीट यूनिट आपने कौन सा, हमने प्रेजेंट करना है। तो 17 में हमारा पहला है, 18 में दूसरा, 19 में तीसरा, और 20 में चौथा चैनल है। तो हम पहले चैनल को यहाँ पे रीड करते हैं, के जीरो, के वन का के सॉरी के 17 का मतलब फर्स्ट चैनल, और इसका टेम्परेचर किस में लेना है, डी जीरो में हम ले लेते हैं, और कितने चैनल तक लेना है, के फोर का मतलब चारों चैनल तक हमने लेना है। ये यहाँ तक हमारा टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि ये 0. ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख के भी आपको दिखाया कि 1 bits इज इक्वल टू 0.1 फॉन यूनिट, फॉन हीट यूनिट जो होता है, और 10 bits इज इक्वल टू 1 क्या है, तो आपने इसको तकसीम कर देना है, LDM 8000 डिवीजन डिवीजन डी जीरो को के 10 से, और डी 20 में मैं इसका ले लेता हूँ। और इसी तरह ही दूसरा चैनल जो है आपका वो, एक मैं इंसर्ट रो कर देता हूँ, F9 करें, और जो दूसरे चैनल का आपका डाटा होगा वो D1 इधर आ रहा होगा। और इसी तरह आपने अगर इसको तकसीम करना है तो दूसरे को भी तकसीम कर लें, और यहाँ पे लाएं कंट्रोल V कर लें, और इसमें उसमें D0 लिखा है, इसमें D1 लिख दें, D1, और उसका D20 में लिया है तो इसका D21 में ले लें, और F4 से करें, और इसको राइट को सॉरी राइट टू PLC कर दें, राइट टू PLC एग्जीक्यूट कर दें, ये आपका डाटा PLC में चला जाएगा। F3 प्रेस करने से आपकी सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें D0 पे जो फन हीट आ रहा है वो 94.6 है, और ये दूसरे पे 90 आ रहा है, और ये 94 जो है फॉरन हीट इस पे आ रहा है, 89 इस पे आ रहा है। ये देखिए ना, बिट्स 0.1 bits पे एक आती है, बिट्स आपकी 0.1 पे आपकी एक बिट्स है, तो आपकी जब ज़्यादा बिट्स होंगी तो उसको आपने 10 से तकसीम करना, आपने डायरेक्ट 94 पे पहुंच जाना, यहाँ पे 89 आ रहा है। जब आप ये देखिए D2 पे मैं D1 पे मैं इसको और चैनल 2 पे इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये फॉरन हीट बढ़ रहा है, 90 था, 91, 92, 93 हो गया, 94, 95। और अब यहाँ पे आपकी एक मज़े वाली बात बताऊँ, टेम्परेचर और फॉरन हीट में फ़र्क क्या है। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर टेम्प सी यूनिट जो है अगर एक होगा तो फॉरन यूनिट जो इसके मुकाबले होगा 2.65 होगा, 2.65 एफ यूनिट होगा। और ये देखें अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कितना टोटल एफ यूनिट है, हमारे पास 100 एफ यूनिट आ रहा है। अगर 100 एफ यूनिट होगा तो इसे अगर हम तकसीम कर देंगे 2.65 से, तो ये इज इक्वल टू होगा टेम्परेचर के, कैलकुलेटर, अब 100 फन यूनिट को अगर आप तकसीम करेंगे इससे, तकसीम 2.65
तो इज इक्वल टू ये आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, 37 सी यूनिट होगा ये। इस तरीके से आप फन यूनिट के टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। ये इसका सबसे आसान मेथड है। अगर इसमें आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।